तो दोस्तों अब डर की क्या है बात जब एम वाला है आपके साथ तो दोस्तों जर्नी को स्टार्ट करते हैं घबराने की कोई बात नहीं है वेलकम टू एम बी ए फाउंडेशन ट्वेंटी ट्वेंटी की फर्स्ट क्लास गाइज बहुत मजा आने वाला है अगर आपको एल्जैब्रा एक्स वाई जी इन सब बातों से डर लगता था तो अगले चार पाँच क्लासेस में ये सारा का सारा डर अब ख़त्म हो चुका होगा तो गाइज लेट्स बिगिन थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ

फिर आप सीखोगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन पॉलिनोम एंड फैक्टर्स फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एंड फॉर्मिंग इक्वेशन तो बेसिकली ये पूरा लेक्चर रिवॉल्व करने वाला इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस के अराउंड एकदम क्लियरली सब कुछ बेसिक फाउंडेशन से पढ़ेंगे तो so गाइस इंतजार किस बात का है स्टार्ट करते हैं राइट सो गाइस आई ऑलरेडी गिवेन योर ब्रीफ नाउ फर्स्ट व्हाट्स एन एक्सप्रेशन एंड व्हाट्स एन इक्वेशन ठीक सिंपल सी बात गाइस अगर आपको एक मिक्स ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स नजर आता है समथिंग लाइक दिस लेट अस से टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस जेड राइट और आपको कोई इक्वल टू का साइन नजर नहीं आता देन इट इज एन एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन इज बेसिकली वन और मोर देन वन टर्म्स राइट विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज विच आर नंबर्स एज वेल एज योर वेरिएबल्स वेरिएबल्स गैज ये ये x, y स्क्वायर z ये सब गैज क्या है ये सब वेरिएबल्स हैं राइट सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है हम लोग जानते नहीं हैं राइट दे कैन बी एनी नंबर जैसे अगर मैं आपको टू बोलूं आपके दिमाग में नजर आता है एक नंबर टू कोई चीज़ होगी जो दो होगी या वन के बाद आने वाला टू या थ्री के बाद पहले आने वाला टू पर एक्स वाई स्क्वायर और जेड इसके जब मैं आपको एक्स बोलता हूँ या वाई स्क्वायर बोलता हूँ या जेड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में कोई नंबर नहीं आता राइट सो दीज आर वेरिएबल्स दे कैन टेक एनी नंबर्स ऑन अ सर्टेन डे कभी ये टू बन जाएगा कभी एक्स फाइव बन जाएगा तो इन सब चीज़ों को हमने समझना है राइट नाउ एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच विल टेक नंबर्स इन अल्फ़ाबेट्स को ही हम बोलेंगे वेरिएबल्स एंड द नंबर्स राइट अब जैसे एक्स के पीछे लगा हुआ है ये टू तो ये टू बन जाता है कोफिशियंट ये सब छोटी छोटी बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए तो कभी मैं आपसे कि इज द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर आपका आंसर आएगा थ्री वट इज द कोफिशियंट ऑफ जेड सर ये तो लिखा ही नहीं है सर जेड के पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है डोंट वरी गैस अगर जेड के पीछे कोई नंबर नहीं है तो आप यहां पर वन जेड मान सकते हो तो जेड का कोफिशियंट क्या हो जाएगा वन जीरो मत लिखना राइट right? वन तो अगर किसी वेरिएबल के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा दैट मीन्स उसका कोफिशेंट हो गया है वन एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइज मान लेते हैं मैंने बोला आपको टू एक्स प्लस वाई राइट तो गायज आपको टू एक्स प्लस वाई में क्या कोई भी इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है नहीं आ रहा तो फिर ये गाइज आपकी इक्वेशन नहीं है क्या है एक्सप्रेशन और जब ये एक्सप्रेशन बन गया एक है वेरिएबल एक्स एक है वेरिएबल वाई एक्स के पीछे लगा हुआ है टू तो एक्स का कोफिशियंट कौन हो गया टू और वाई के पीछे कुछ लगा है कुछ नहीं लगा तो वाई का जो कोफिशियंट है वो बन जाएगा वन तो दैट्स वॉट अगर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा है तो आपका जो कोफिशियंट है वो हो जाएगा वन क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आती है कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स राइट कोफिशियंट भी क्लियर हो गया अब बात है कि सर इक्वेशन क्या है इक्वेशन में गैस इक्वालिटी होगी एक एल होगा एक आर होगा इसी सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ लिख दूँ दैट इज टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस जेड अभी तक ये क्या है अभी तक ये है आपका एक्सप्रेशन बट जैसे ही आपने यहां लिख दिया इक्वल्स टू जीरो अब इस पूरी क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू है इस पूरी क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू है जो कि है अभी इस केस में जीरो तो ये बन गई आपकी इक्वेशन तो इक्वेशन का एक एल होगा एल का मतलब का लेफ्ट हैंड साइड और इस पूरी इक्वेशन का एक आर होगा एस का मतलब है एस राइट मतलब साइड तो जब भी हम आपको फ्यूचर में एल एच बोले आपको क्या समझना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आरएचएस बोले तो आपको क्या समझना है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा अच्छा ऐसा कभी कुछ हो ये इक्वेशन नहीं है गाइस ये इन है इसको बाद में पढ़ेंगे इक्वेशन का मतलब ये इक्वल टू का साइन एक एल एच एस एक आर एक्सप्रेशन का मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एज वेल एज अल्फाबेट राइट इतनी क्लियरिटी हो गई अच्छा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन में इधर आपके पास नंबर ही होगा अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बोल दूस इक्वल टू वाई तो ये भी एक इक्वेशन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड एक्स है और राइट हैंड साइड वाई है राइट right? तो गाइज मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज एन इक्वेशन व्हाट इज एन एक्सप्रेशन आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो गाइज सबसे पहली चीज एक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कैसे करेंगे तो इसको समझते हैं जैसे आपको नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है मैं आपको बोलता हूँ थ्री प्लस फोर आप कहते हो सर सेवन मैं बोलता हूँ एट डिवाइड बाई टू आप कहते हो फोर तो कैसे एक्सप्रेशन को सिंपल करें ये तो एक्स वाइज एड थे तो ये कैसे ऐड होंगे ये कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये कैसे डिवाइड होंगे अब हमने इसको सीखना है तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइक like टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं अब सवाल है कि लाइक like टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं गाइस जो भी टर्म्स जिनका वेरिएबल पार्ट सेम है मैं रिपीट कर रहा हूं वो टर्म्स जिनका वेरिएबल पार्ट सेम है उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स और जिनका वेरिएबल पार्ट अलग अलग है उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई और थ्री एक्स स्क्वायर वाई अगर आप गौर से देखोगे तो इसका जो वेरिएबल पार्ट है और इसका जो वेरिएबल पार्ट है वो एक्जैक्टली सेम है इसके पास भी दो एक्स इसके पास भी दो एक्स इसके पास एक वाई इसके पास एक वाई एक एक। तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक ये हो गई लाइक टर्म्स जैसे कि एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई ये भी है लाइक टर्म्स एक एक्स ऊपर एक एक्स ऊपर एक वाई नीचे एक वाई नीचे जैसे कि एक्स और एक्स ये भी है लाइक टर्म्स एक्स इधर एक्स इधर एक और देखते हैं ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर क्या गैज ये लाइक टर्म्स हैं यस yes. यहाँ पर भी दो है यहाँ पर भी दो है यहाँ पे भी यहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले भी लिखा है कि बाद में ए स्क्वायर इसका मतलब है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी इसका मतलब है बी मल्टीप्लाई बे स्क्वायर उसमें का इसको फर्क ही नहीं है आप टू इंटू थ्री स्क्वायर करो या थ्री स्क्वायर इंटू टू करो कोई फ़र्क नहीं है ये लाइक टर्म्स हैं गाइस अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि और भी अगर कोई मन में कन्फ्यूजन रह गया है तो दूर हो जाएगा आराम से देखो अगर मैंने बोला आपको ए और बी ये तो बेटा देख के कोई भी बता देगा अनलाइक टर्म्स है इधर ए है उधर भी है कुछ मैच नहीं है कुछ मेल नहीं है थ्री ए फोर ए बी तो गाइज ये भी लाइक like टर्म्स नहीं है अनलाइक टर्म्स है क्यों इसके पास है सिर्फ है इसके पास है ए बी गाइज इसको नोटिस नहीं कर रहा है ये कुछ भी लिखा हो मैटर लाइक टर्म्स में नंबर सेम है नहीं है फर्क नहीं पड़ता सिर्फ इस चीज पे फर्क पड़ता है कि वेरिएबल्स कितने हैं और कौन से हैं ठीक है एक और देखते हैं मैंने बोला टू ए और इधर बोला थ्री बी ये भी ऑफ कोर्स क्या है अनलाइक टर्म्स यहाँ ए यहां बी अगर आप इसको टू ए कर दो और इसको टू बी कर दो तब भी अनलाइक टर्म्स ही रह जाएंगी सर टू तो सेम है बेटा नंबर का कुछ नहीं करना किसको देखना है वेरिएबल को नंबर सेम हो आई डोंट केयर वेरिएबल चेक करनी है अच्छा कभी ऐसे लिखा हो टू ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर ये भी आपकी अनलाइक टर्म्स है क्यों ए की पावर टू है यहाँ पर ए अकेला है ये बी की पावर वन है और ये बी की पावर क्या है टू वेरिएबल्स का नंबर वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल्स का जो पावर है और वेरिएबल जो दिख रही है वो सेम होना चाहिए आपको इस कोफिशेंट को हटा दो उसके अलावा जो पार्ट है वो अगर सेम हो गया तो लाइक like टर्म नहीं तो अनलाइक टर्म इसमें सेम नहीं हुआ अनलाइक टर्म इधर देखो अगर मैं देखूँ तो ये स्क्वायर भी और बी ए स्क्वायर ये सेम है।, है इधर दो है इधर दो है इधर भी इधर भी एक्स 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 बाय वाई एक्स बाय वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्सक्वायर वाई फर्क नहीं पड़ता कि कोफिशियंट क्या था इधर तो कोफिशियंट कुछ था नहीं तो हमें वन पकड़ना पड़ेगा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोफिशियन क्या था वेरिएबल पार्ट सेम तो लाइक टर्म्स वेरिएबल पार्ट डिफरेंट तो अनलाइक टर्म्स ऑल राइट तो गाइज जहाँ पर भी आप लोगों को समझना है थोड़ा सा पीछे जाओ दोबारा से सुनो ठीक है पॉज करके देखो ऑब्जर्व करो फाउंडेशन क्लास है आराम से सीखो अब गायस देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना कैसे है तो पहली चीज़ है कि आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ गए अब लाइक टर्म्स ऐड होंगी और लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी अनलाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं पहला पार्ट तो हमारा वहीं ख़त्म हो जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर गायज हम चलें तो हमारे पास है एक तो ये री लाइक टर्म इसके पास बी लिखा है ये इसके साथ लाइक टर्म है ना इधर तो कोई भी है नहीं इसके पास भी था ये रहा बी ये इसके साथ लाइक like टर्म हो गई राइट दोनों के पास क्या है एक एक बी इसके पास क्या है एक बी तो ये तीनों हो गई हैं लाइक टर्म्स तो ये जो तीनों लाइक टर्म्स हैं इनको नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो जैसे आप नॉर्मल नंबर्स में करते हो तो 21 वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास है आठ क्या है आठ बी तब की वेरिएबल एज इट इज़ जो थी एक बार लिखो अब तीन बार बी मत लिख देना बी 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 क्यूब ना हमारे पास तब भी राइट तो उसी वेरिएबल को आपने लिखना है तो ये ट्वेंटी वन बी में सेवन बी मिले ट्वेंटी एट बी ट्वेंटी भी चले गए बन गया एट बी और ये माइनस थर्टी टू ऐसा का ऐसा रह जाएगा इसको कोई भी अपने जैसा लाइक टर्म मिला नहीं तो ये ऐसे ही यहाँ पे पढ़ा रह जाएगा उसके साथ कुछ एडिशन अट्रैक्शन नहीं होगा पॉज करो और सारे खुद से ट्राई करो और उसके बाद आंसर्स मैच करो देखो क्या आपको एडिशन ऑफ सीखने में आया समझ तो में आया तो बहुत बढ़िया राइट तो मैं सीधा करने जा रहा हूँ आप लोग पॉज करके ट्राई कर लो ठीक है मैं नेक्स्ट करता हूँ पहचानो कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं इसके पास दो जेड एक जेड तीन जेड एक जेड तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये दोनों लाइक like टर्म्स हैं तो एक और हैबिट रखो कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म है उसको पहले लिखो तो मैं लिख रहा हूँ सेवन जेड क्यूब इसका काम हमने कर दिया फिर हमारे पास सेवन जेड स्क्वायर प्लस का सेवन जेड स्क्वायर इसका भी काम हमने कर दिया और ये यही दोनों लाइक like टर्म्स तो माइनस ट्वेंटी और माइनस थ्री कितना हो गया माइनस ट्वेंटी थ्री जेड हमारे पास आ गया माइनस का ट्वेंटी थ्री जेड तो ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई अभी नहीं हो सकता फैक्टर्स वैक्टर्स लिए जा सकते हैं पर वो हम अभी क्लास के एंड में सीखेंगे अभी हमने सीखा नहीं है तो यहीं छोड़ते हैं नेक्स्ट करते हैं गाइज ये सब ब्रैकेट ब्रैकेट लगे तो पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे तो ब्रैकेट खोलते हैं पी माइनस पी और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा राइट तो आपके ऐसा आ जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू राइट ये वाला और एक और है हमारे पास क्या माइनस क्यू और ये वाला माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा तो ये हो गया प्लस पी तो गाय जब आप बिगिन कर रहे हो आप ये ब्रैकेट खोलते हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए एक आध टर्म मिस कर दो तो एक हैबिट रखो कि वंस यू ओपन अप आप एक बार चेक कर लो कि आपके नंबर ऑफ टर्म सेम थे कि नहीं जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः मतलब कोई गलती आपसे नहीं हुई है कोई टर्म जल्दी बाजी है मिस नहीं हुआ है अब थोड़ा सिंपली क्या करते हैं पी और माइनस पी कट जाएगा राइट और क्यू और माइनस क्यू कट जाएगा अब क्या बचा हमारे पास एक पी वो भी प्लस का और एक क्यू जो कि है माइनस का तो आंसर हो गया पी माइनस क्यू जिस जिसका ये आंसर आ गया था गाइज वेरी गुड गिव हम्स आप, आप लोगों ने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को पकड़ लिया है एक और क्वेश्चन आप लोग तो सारे ट्राई कर ही चुके हैं पॉज करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें लाइक टर्म पहचानते हैं राइट तो हमारे पास है थ्री है, ए माइनस टू बी माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप गाइस थोड़ा फास्ट करो आप लोग सीख चुके हो प्लस बी देखो क्या क्या कट रहा है जो जो कट रहा है उसको काटो और फाइनल लिख देते हैं कुछ कट रहा है देखो प्लस बी प्लस बी कितने हो गए टू बी और ये माइनस टू बी सब कट जाएगा ये तीनों खत्म हो गए इसकी लाइक like टर्म ये लिखी हुई है तो कितना हो गया थ्री ए माइनस ए यानी कि टू ए और ये बचा हमारे पास माइनस का ए बी तो ये आपका आ गया आंसर नंबर फोर्थ सिंपल एज दैट ज़्यादा मेहनत लगनी नहीं है बस लाइक like टर्म पहचानना है उनको एड सब्ट्रैक्ट करना है बाकी लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना है अनलाइक टर्म्स को एड सब्ट्रैक्ट मत कर देना ऐसा का ऐसा छोड़ देना ठीक तो गाइस चलो फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं और आगे देखते हैं ठीक तो ये रहा फिफ्थ पार्ट हमारा एक क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर हुआ माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्सवाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर ढूंढो कोई लाइक like टर्म्स है देखो मिल जाएंगे आपको शायद एक ही एरी एक्स वाई स्क्वायर और इसके पास भी एक्स वाई स्क्वायर तो यानी ये दोनों क्या हो गए हमारे पास लाइक like टर्म्स इनको एड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाकी के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे अनलाइक टर्म्स हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई को ऐसा कैसा लिख देते हैं उसको तो कोई लाइक टर्म मिला नहीं कोई पार्टनर मिला नहीं माइनस एक्स वाई क्यूब को भी ऐसा कैसा लिख देते हैं इसको भी कोई पार्टनर नहीं मिला एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये लोग एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस का वन माइनस का टू यानी कि माइनस वन तो हमारे पास कितने बच गए माइनस का एक्स वाई स्क्वायर तो जिसके गाइस इस आंसर ठीक आ चुके हैं यू आर डूइंग वेरी गुड आपको एडिशन से अप्रैक्शन करना आ चुका है आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखते हैं तो थ्री ए स्क्वायर बी माइनस टू ए बी माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी सर यहाँ तो मुझे इतनी खास लाइक टर्म नजर नहीं आ रही है ढूंढो बेटा मिलेगा एक रहा ए स्क्वायर बी और एक ये रहा ए स्क्वायर बी क्या ये सेम है बिल्कुल सेम है ढंग से देखना कुछ मिस तो नहीं कर रहे इसको देखो जरा ये भी ए स्क्वायर बी है बस पलट के लिखा है आंखों से देखो पलट देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे इधर से इधर जाए इधर से इधर जाए, जाए फर्क नहीं पड़ता ए स्क्वायर बी या फिर ए स्क्वायर बी बात एक ही है ए स्क्वायर बी बी ए स्क्वायर राइट सब कुछ सेम है तो थ्री प्लस वन फोर फोर माइनस टू टू तो हमारे पास है टू ए स्क्वायर बी इसका काम हो गया इसका काम हो गया इसका काम हो गया बचा ये माइनस टू ए बी और ये ए बी ये दोनों भी क्या है लाइक like टर्म्स तो माइनस टू माइनस वन हो गया माइनस थ्री ए बी तो जिसके सारे आंसर्स आ गए सही वेरी गुड आप लोग एडिशन ऑफ ट्रैक्शन बिल्कुल सीख गए हो गए एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और जिसको समझ नहीं आया वापस से देखें आंसर्स मैच कर ले तो भी गलतियाँ सुधार ले मल्टीप्लीकेशन गाइज मल्टीप्लीकेशन में लाइक टर्म अनलाइक टर्म का कोई रोल नहीं है आप किसी भी टर्म को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपको ये चेक नहीं करना है कि वेरिएबल पार्ट सेम है लाइक like टर्म है कि नहीं है रैंडमली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं अनलाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं लिख लेना इसको नोट बना के अनलाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं कैसे देखो x इंटू एक्स सिंपल हो जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर एक एक्स था एक एक्स और दे दिया जैसे फोर इंटू फोर क्या होता है फोर स्क्वायर वैसे एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा दो एक्स हो गया तो यानी हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई ऐसा का ऐसा रह जाएगा सिंपल समझ गए तो जैसे जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी पावर में ऐड होता जाएगा जैसे कि टू की पार थ्री इंटू टू की पार फोर करते हो टू की पार सेवन पार ऐड हो जाती है वैसे ही यहाँ पर सिंपली आप मल्टीप्लाई करते जाओ अब गाइज इधर देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू वाई कितना हो गया प्लस एक्स वाई प्लस वापस से एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स इंटू वाई कितना हो गया एक्स वाई अब एडिशन अट्रैक्शन तो आपने सीखा ही है गाइज लाइक टर्म ढूंढो एडसेप्ट्रैक्ट करो यहाँ नहीं छोड़ना है इसको लास्ट तक सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों क्या हो गई लाइक टर्म्स एड हो जाएंगी टू एक्स स्क्वायर और ये दोनों क्या हो गई लाइक टर्म्स एड करेंगे क्या हो जाएगा टू एक्स वाई दिस इज योर फाइनल आंसर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अब ये तो आ गया सर एक और शॉर्टकट तरीका है अगर आप पहचानोगे तो आपको और शॉर्टकट्स मिलेंगे देखो कैसे ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म एक लाइक टर्म थी मतलब कि अगर मैं बात करूं इस पूरी टर्म को देखो क्या ये और ये सेम नहीं लिखा हुआ अगर x इंटू एक्स प्लस वाई को टी बोल दें तो x इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा t और t प्लस टी कितना हो गया टू टी तो लाइक टर्म लाइक टर्म अगर हम पहले ऐड कर दें तो अपने पास क्या जाएगा टू इंटू एक्स एक्स प्लस वाई और अब मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई तो यहाँ से भी यहीं पहुँचे और यहाँ से भी यहीं पहुँचे तो गैर मर्जी आपकी किधर से जाना चाहते हो राइट right? अगर लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स दिख रही हैं तो पहले आप लोग ऐड भी कर सकते हो फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते इससे फ़ायदा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा अगर आप अब इसको खोलोगे तो देखो आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो अगर आप पहचानोगे ये टर्म और ये टर्म सेम है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि लेटेस्ट से टी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि टी तो टी माइनस टी कितना होगा गाइस जीरो दैट्स इट तो सीधा आंसर मिल जाएगा आपको जीरो अगर आपने पहचान लिया कि लाइक टर्म्स है अदरवाइज आप इसको लंबे तरीके से करते राइट तो लंबे तरीके से कैसे करते उसको भी देख लेते हैं हम ठीक तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई कितना हो जाता है एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स कितना जाता है एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस बनता है माइनस माइनस एक्स इंटू वाई हो जाता है माइनस का एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को काटता और एक्स वाई एक्स वाई को काटता आपके पास आ जाता है जीरो राइट गाइस तो समझ में आ गई बात अगर आप लाइट like टर्म्स को पहचान लो पहले ऐड कर दो लास्ट में कर दो मल्टीप्लाई तो ईजी हो सकता है पहचानना है ऑब्जर्व करना है हमने राइट ओके क्लियर चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं राइट लास्ट क्वेश्चन चलते हैं और फिर इसको हम पर्टिकुलर चीज को ऐड करते हैं मैं फिफ्थ क्वेश्चन का है यहाँ पे कर रहा हूँ राइट तो देख लेना स्पेस का थोड़ा सा कमी है उधर कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं दिस इंटू दिस कितना हो गया टू एक्स क्यूब फिर एक एक्सक्वायर एक एक्स वापस से एक्स क्यूब बनेगा माइनस का टू ये टू एक्सक्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब और एक वाई जो तो ऐसा कैसा लिखा हुआ है माइनस थ्री एक्स क्यूब ये वाला इधर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस कितने एक्स हो गए एक दो तीन तो अपने पास आ गया प्लस का एक्स क्यूब एक वाई राइट right? अब दिस इंटू दिस करो कितना हो जाएगा माइनस का टू और दो एक्स यानी कि टू एक्स स्क्वायर देख लो गाइज एक बार चेक कर लो एक टू एक्स क्यूब फिर टू एक्सक्वायर इंटू एक्स वाई यानी कि टू एक्स क्यूब वाई ये माइनस का थ्री एक्स क्यूब ये आ गया हमारा एक्स क्यूब वाई और ये आ गया हमारा माइनस टू एक्सक्वायर अब लाइक टर्म्स पहचानो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो खत्म करो तो गाइज लाइक टर्म्स क्या है इसमें एक तो ये ही दोनों लाइक टर्म्स राइट तो टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब कितना जाएगा माइनस का एक्स क्यूब ये दोनों तो खत्म हो गई और कोई लाइक like टर्म है गाइस यस ये दोनों भी आपकी हैं लाइक टर्म्स एक्स क्यूब और वाई तो माइनस टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई हो गया आपके पास माइनस का एक्स क्यूब वाई और ये रहा हमारे पास लास्ट माइनस का टू एक्स इसको ठीक ख़त्म दैट इज इट राइट पहले मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई में आपने कोई लाइक टर्म अनलाइक टर्म नहीं देखना है एक बार मल्टीप्लाई करके आपके पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया उसमें लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स देख के एड सब्ट्रैक्ट कर दो तो so, सिंपल सी बात एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स विल प्ले द रोल मल्टीप्लिकेशन एनी थिंग कैन बी मल्टीप्लाइड विथ एनी थिंग ठीक आगे बढ़ते हैं और डिवीजन को देखते हैं फिर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो जाएगा ख़त्म ठीक तो गाइस डिवीजन में सिंपल आप पहले पार्शली डिवाइड करना सीखोगे उसके बिना वेरिएबल्स का डिवीज़न हो जाता है टफ तो पार्शियल डिवीज़न क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले तो अपना एक्स अपॉन एक्स इसमें तो कोई पार्शियल डिवीज़न लगेगा नहीं ये तो सीधा इससे कट गया हमारे पास आंसर आ गया वन राइट ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स आप आराम से काट सकते हो ठीक है अब इधर देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई दो तरीके हैं दोनों सिखा रहा हूँ एक तरीका है कि अगर कोई वेरिएबल सबके पास है ऊपर जितने भी लोग प्लस माइनस हो रहे हैं सबके पास है और नीचे भी है तो उसको काट सकते हैं मतलब कि ये देखो ये लोग टर्म्स में प्लस माइनस हो रहे थे मैं इस एक्स को काट रहा हूँ तो ऊपर हर एक टर्म में जो भी प्लस माइनस हो रही है एक एक एक्स लेके जा सकता हूँ इस एक्स स्क्वायर का एक एक्स चला जाएगा ये बच जाएगा एक एक एक्स वाई स्क्वायर में से एक एक्स चला जाएगा ये चला जाएगा एक्स तो हमने डिनोमिनेटर का एक एक्स लिया तो न्यूमिनेटर की हर एक टर्म का एक एक एक्स लेके हम भाग गए एक्स स्क्वायर का भी ले गए और एक्स वाई स्क्वायर का भी ले गए करेक्ट अब क्या सबके पास वाई है बिल्कुल है y तो भी उड़ाते हैं इसका y चला गया इसका y चला गया और इसका y स्क्वायर गया तो ये y का एक y लेके भाग गया दो में से एक बच गए हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर का इस टर्म का बच गया सिर्फ और सिर्फ x प्लस और इस टर्म का बच गया सिर्फ और सिर्फ y तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स प्लस वाई तो एक तो ये तरीका है डिवाइड करने का कि सारी टर्म्स में अगर कुछ कुछ कॉमन है तो ये क्विकली हो जाता है पर ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सब ऊपर नीचे के पास कुछ कुछ कॉमन टर्म्स होंगी जब नहीं होगा तब क्या करना होगा उसको सीखते हैं तो गैज मैं दोबारा इस क्वेश्चन को यहीं लिख देता हूँ इसके बगल में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपऑन एक्स वाई अब सीखते हैं गैस पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल डिवीजन तो गैज पार्शियल डिवीज़न क्या है जितनी भी टर्म्स ऊपर लिखी हुई हैं प्लस माइनस में इंडिविजुअली सब को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख दो यानी कि मैंने लिखी पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डिनोमिनेटर आ गया एक्स वाई ऐसा कैसा तो पहले मैंने इस पार्ट को डिवाइड कर दिया फिर बीच में क्या लिखा प्लस तो आप भी क्या लगा दो प्लस अब आप सेकेंड पार्ट को डिवाइड कर दो सेकेंड पार्ट क्या है एक्स वाई स्क्वायर तो अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया अब आपके पास एक टर्म डिमोरेटर में एक टर्म डिनोरेटर में अब जैसे यहाँ पे आपने कटिंग की थी वैसे आराम से कटिंग करो और आंसर देखना फिर से सेम आएगा इसका क्या कट जाएगा एक वाई एक वाई एक एक्स इसका एक एक्स लेके चला जाएगा क्या बचा यहाँ से आपके पास एक एक्स सिमिलरली इधर क्या है एक एक्स एक एक्स कट जाएगा इसका वाई एक वाई लेके चला जाएगा आपके पास क्या बचेगा वाई तो आंसर क्या आ गया आपके पास गाइज सिंपली एक्स प्लस वाई जरा चेक करो ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली exactly क्या है सेम होना भी चाहिए तरीके अलग बदलने से आपका आंसर थोड़ी बदल जाएगा तो आप दोनों मेथड सीख चुके हो एक डायरेक्ट कैंसिलेशन और एक पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल डिवीजन राइट हम दोनों लगाएंगे जब ऊपर नीचे बहुत सारी कॉमन टर्म्स सबके पास दिखेंगी तो ये लगा देंगे फटाफट नहीं दिखेंगी तो ये लगा देंगे तो गाइज अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो ठीक है मैं करने जा रहा हूँ अब इसमें देखो सबके पास एक एक कॉमेंटम नहीं है इसके पास एक्स वाई या इधर वाई है इधर एक्स है कुछ नहीं कट रहा है ठीक है तो अब इसको कैसे करना है इसको पूरा ओपन कर देते हैं और फिर देखेंगे ठीक है तो इसको अगर हम ओपन करने गए तो हमको क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन सीखा हमने ये कितना हो गया ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई फिर ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का एक्स वाई यहाँ से मिलेगा प्लस का एक्स वाई और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पूरे में हमारे पास है एक्स वाई तो गैस फर्स्ट स्टेप तो हो गया सिंपल राइट right? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर अलग अलग करके लिख देते हैं नहीं यार पहले देखो थोड़ा सिम्पलीफाई ऊपर ही हो रहा है तो कर लेते हैं देखो एक सिंप्लीफिकेशन तो हो रहा है सीधा सीधा कौन सा तो सिम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि सर ये दोनों थी लाइक टर्म्स एक्स वाई और एक्स वाई और दोनों कैंसिल भी हो रही हैं एक प्लस का एक्स वाई एक माइनस का एक्स वाई जब दो टर्म कट गई अब ये दोनों लाइक नहीं है इसके पास एक एक्स है इसके पास दो एक्स है अब एक काम करते हैं अब हम इसको पार्शली डिवाइड कर लेते हैं पहली टर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई और नीचे है एक्स वाई और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और नीचे का हमारे पास एक्स इंटू वाई सिंपल एज दैट कर लेते हैं आप काट देते हैं एक वाई तो खत्म हो जाएगा एक्स इसका स्क्वायर ले जाएगा इधर एक्स खत्म हो जाएगा और वाई इसका एक स्क्वायर ले जाएगा एक वाई बच जाएगा राइट वाई स्क्वायर मतलब दो वाई है नीचे एक वाई है सिंपली एक कट जाएगा क्या जाएगा हमारे पास इधर से बचा हमारे पास एक्स और इधर से बचा हमारे पास वाई सिंपल है इज दैट गेम खत्म आंसर दोबारा से क्या आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई सिंपल कर पाओगे पार्शियल डिवीजन समझ गया कैसे करना है हर एक टर्म को इंडिविजुअली इंडिविजुअली डिवाइड करके रख दो लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो और फिर हम चलते हैं आगे ठीक है तो गैस इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कट रही है यस सर इसके पास भी टी है बाहर पड़ा है इसके पास भी टी है इसके पास भी टी है सब का एक एक टी काट देते हैं तो गैस इसका हमने काट दिया एक टी ए टी खत्म हुआ इसका एक टी बचेगा और इसका बचेगा टी स्क्वायर सबसे ये टी ले के भाग गए ये तो पूरा ख़त्म इसके पास तीन थे दो बचे इसके पास दो थे एक बचा यानी टी रह गया अब हम देखते हैं कि ये क्या बन गया ये बन गया गए हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी टी स्क्वायर माइनस टी इधर से क्या बन गया टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी यानी कि दो टी और एक टी यानी कि टी क्यूब तो प्लस टी क्यूब फिर दिस इन टू दिस कितना बन गया ये टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया आपके पास टी की पार फोर और माइनस तो लिखा हुआ है तो माइनस टी की पावर फोर राइट ये टी स्क्वायर माइनस टी ऐसा कैसा टी स्क् चार टी टी की पावर फोर और सबको डिवाइड किससे करना है टी से तो लगे हाथ पार्ट से डिवाइड कर दें इसके नीचे टी इसके नीचे टी इसके नीचे टी और इसके नीचे टी ये तो होगा ये चारों टर्म्स साथ में क्या है माइनस थ्री डी ये ऐसा कैसा रह जाएगा और ये क्या है प्लस का टी स्क्वायर ये भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा अब गाइस डिवाइड करो और ऐड सप्ट्रेड कर लो आंसर आ जाएगा कैसे देखें यहाँ पे कर देते हैं टी स्क्वायर बाय टी एक कैंसिल हो जाएगा कितने बचे एक टी बच गया ये तो पूरे कट गए माइनस का वन टी थे एक टी थे एक कट गया कितने बचे दो तो प्लस का टी स्क्वायर चार टी थे एक कट गया कितना बचा टी का क्यूब माइनस थ्री टी प्लस टी दैट गाइस राइट पॉज करो आराम से देखो मल्टीप्लिकेशन भी सीख गया डिवीजन एडिशन अपट्रैक्शन सब हो गया लाइक अनलाइक टर्म सब क्लियर हो गया राइट right? देखो आराम से अब आप यहाँ पे लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स लगाओ एड्रैक्ट करो और सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा ठीक तो गाइस सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाले लिखते हैं मैक्सिमम पावर के हमारे पास माइनस का टी क्यूबी की पावर थ्री सबसे ज़्यादा सबसे पहले इसको लिख देते हैं माइनस का टी क्यूब अब पावर टू वाले देखते हैं एक पावर टू वाला ये रहा एक पावर टू वाला ये रहा ये भी प्लस का ये भी प्लस का प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस टू टी स्क्वायर अब चलो टी पे टी वाले का है हमारे पास एक ये रहा है वन टी उसके बाद ये माइनस थ्री टी यानी माइनस टू टी और कोई है नहीं तो हमारे पास आ गया माइनस का टू टी तो आपसे कोई टर्म मिस नहीं होगी राइट right? मैं नीचे नीचे डैश भी लगाते जाता हूँ तो मेरे से कोई टर्म मिस नहीं होती इसलिए मिस्टेक नहीं होती फिर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है ये वाली माइनस की वन तो हमने लगा दी माइनस की वन दैट इज इट सिंपल एज दैट राइट तो गईज वापस से एक रिक लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ वो टर्म्स होंगे जो कि लाइक like टर्म्स हैं सिंपली वेरिएबल वैसा का वैसा रह जाएगा कोफिशेंट्स एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में कोई परवाह मत करो सब सबसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं पावर्स ऐड होती जाएंगी सेम वेरिएबल की डिवीजन में या तो पार्सली डिवाइड करो या ऊपर नीचे दोनों के हर एक टर्म के पास इंडिविजुअली वो वेरिएबल है तो पहले काट दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट पॉलिनॉमियल्स को समझते हैं गाइस राइट तो पॉलिनॉमियल्स क्या है पोलिनॉमल्स ये तो डेफिनेशन लिख दिए डेफिनेशन तो आपसे लिखवाने नहीं वाला है समझो कि है क्या तो पॉलिनोमियल्स हैं एक ऐसा एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म है जिनका कोफिशेंट नॉन जीरो है नॉन जीरो बोलने का मतलब क्या है कि आप बोलो करोको कि सर जीरो एक्स स्क्वायर क्या ये पॉलिनॉमियल है बेटा ये कोई है ही नहीं जीरो इंटू समथिंग करोगे जीरो मिल जाएगा कुछ है ही नहीं पॉलीनॉमियल कहाँ से हुआ तो पॉलिनॉमिल के लिए आपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन टर्म्स होनी चाहिए राइट और उसमें पास एक ना एक टर्म तो नॉन जीरो कोफिशियंट वाली होनी चाहिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास जितनी भी पावर्स हैं वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए वेरिएबल की नंबर की नहीं यानी कि अगर टू एक्स स्क्वायर है राइट right? तो ये जो एक्स है इसकी पावर देखो ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू एक्स की पावर वन बाई टू कर दिया टू एक्स की पावर माइनस टू कर दिया अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो वो पॉलिनॉमिल नहीं बन पाएगा ठीक है अगर आप ऐसा बोल दे तो टू बाई टी इसका मतलब क्या है इसका मतलब टू टी की पावर माइनस वन ये भी पॉलिनॉमिल नहीं बन पाएगा पॉलिनॉमल बनने के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर होना बहुत जरूरी है किसकी सबकी नहीं वेरिएबल की अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो गाइस फोर की पार हाफ और एक्स ये पॉलिनॉमियल है सर पावर तो हाफ आ गई बेटा कैसी बात कर रहे हो मैंने बोला ना कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए ये तो फोर की पार हाफ है नंबर की पार कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता हमें किससे फर्क पड़ता है वेरिएबल से हम किसको पॉजिटिव इंटीजर पावर देना चाहते हैं वेरिएबल को नंबर की पार क्या चढ़ रही है आई रियली डोंट केयर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं फंसना चाहिए यहाँ पर आपने ऐसा कुछ दे दिया ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि तो इसकी पावर जब जा हो जाएगी नेगेटिव जब ये ऊपर जाएगा वेरिएबल की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर नंबर की पावर को मैं फोकस नहीं करता उससे मेरे को डर नहीं लगता मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए दैट्स इट सिंपल ओके आगे बढ़ते हैं अब आपका टास्क यह है कि इनमें से पहचानो कौन सा पोलिनॉमियल है कौन सा पोलिनोमियल नहीं है सिर्फ एक बात का ध्यान रखो एक इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी वेरिएबल उसकी पा तो फिर दोस्तों क्या लगता है पहला वाला पॉलिनोमियल है पहला वाला पोलिनियल बिल्कुल है क्यों इसमें सारी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर कोई है ही नहीं इसके पास तो वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर अब इसको सॉल्व तो नहीं करने लग गया ना पहले कि माइनस थर्टीन भी लिख रहे हो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है यहीं पर दिख जाएगा डायरेक्टली पॉलिनॉमल है कि नहीं है इसके बारे में बताओ पॉलिनॉमियल नहीं है क्यों नहीं है कौन है कल्परेट यस जेड की पार हाफ ये जेड की पार हाफ का क्या मतलब है जेड की पार हाफ का मतलब है नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल आपके पास पावर आ गई इंटीजर ही नहीं है तो हाफ लगा दिया ये पोलिनॉमिल नहीं है थर्ड पी माइनस वन बाय पी माइनस पी है सर नहीं है क्यों क्योंकि ये है हमारा कल्परेट वन बाय पी वन बाय पी जो है इसको पोलिनॉमल बनने नहीं देगा पावर नेगेटिव हो जाएगी जब पी ऊपर जाएगा और तो लगा इस पोलिनॉर्मल है कि नहीं चेक करते हैं सर नहीं है गाइस चेक कर लो काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या पता ये वन बाय पी वाली टर्म ही खत्म हो जाए ऊपर तो साफ साफ कुछ कट नहीं रहा था इधर एक बार चेक करते हैं पी इंटू वन बन गया पी डिस्टू दिस करोगे पी से पी कैंसिल आउट होगा राइट मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ पर जब हम इसको बाद में सीख जाएंगे तो डायरेक्टली करेंगे ये माइनस वन आना था पर अभी कर दिया हमने कोई बात नहीं प्लस पी माइनस वन बाय पी माइनस का टू पी और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस का वन बाय है सिंपल अब देखते हैं ये पी से पी तो कट जाएगा आपको मिलेगा पी माइनस वन प्लस पी माइनस वन बाय पी माइनस टू पी माइनस वन बाय पी राइट गाइज एक बार चेक कर लो क्या वन बाय पी वाली टर्म्स कट रही हैं क्या वो पूरी वैनिश हो जाती हैं अगर हो जाती हैं तो पॉलिनॉमल बन जाएगा पर क्या वैनिश हो रही है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वैनिश नहीं हो रही माइनस का वन बाय पी बन रहा है और एक और माइनस वन बाय पी बन रहा है तो माइनस टू बाई पी हो जाएगा वैनिश नहीं हो पा रही तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है पर ये है तो गाइज आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तब भी ये पॉलिनॉमल नहीं बन पाया पर ध्यान रखना कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सिंप्लीफाई करके चेक जरूर करोगे क्योंकि तो कभी कभी ये जो कल्परेट्स हैं जिनके कारण आपका एक एक्सप्रेशन पॉलिनो में नहीं बन पा रहा वो क्वेश्चन जान के कटवा देता है कैसे देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको मान लेते हमने एक एग्जाम्पल लिया पी पी प्लस वन बाय पी माइनस वन बाय पी प्लस वन प्लस वन बाय तो गैज इस क्वेश्चन को देख के पहली नज़र में लगता है कि ये भी पॉलीनॉर्मल नहीं है क्यों क्योंकि सर वन बाय पी लिखा है सर ये वन बाय पी का क्या होगा ये तो कटेगा नहीं नहीं गैज सिंप्लीफाई करो क्या पता वन बाय पी वेनिश हो जाए पी इंटू पी कितना हो गया पी स्क्वायर पी इंटू वन बाय पी करोगे पी से पी कैंसिल आउट होगा आपको मिलेगा वन माइनस का वन बाय पी प्लस ये हो गया वन और प्लस का वन बाय पी देखो क्या हुआ ये वन बाय पी और वन बाय पी कट गया जो कि कल्प्रिट था जो इसको पोलिनमल बनने से रुक रहा था यानी कि जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है राइट तो पहले सिंप्लीफाई कर लो एकदम चीज़ों को एनालाइज कर लो बिफोर मार्किंग एनीथिंग तो ये आ गया आपके पास पी स्क्वायर प्लस वन प्लस वन कितना हो गया टू तो फाइनल आंसर पी स्क्वायर प्लस टू विच इज़ अ पोलिनॉमियल तो गैस देख लेना ये ट्रैप में फॉल मत हो जाना बहुत बार बच्चे सीधा सीधा जल्दीबाजी के चक्कर में इस ट्रैप में बहुत गिरते हैं आपने ध्यान रखना है कि आप बड़े एक्सप्रेशन को सिम्पलीफाई जरूर करोगे हाँ इनमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी साफ साफ देख रहा था जेड की बार हाफ कहीं और है नहीं क्या कटेगा इसमें देख रहा था वन बाय पी और कहीं है नहीं कहाँ कटेगा पर यहाँ मल्टीपल वन बाय पी थे क्या पता कट जाता जैसे इसमें कट गया यहां पर अभी कोशिश करी नहीं कटा तो ठीक है पोलिनॉमियल नहीं है पर कट गया तो पोलिनोमियल है ठीक गए तो आगे बढ़ते हैं अब पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स और आती है मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल इनको मैं समझाता हूँ कुछ मतलब नहीं है मोनो मतलब है एक बायनोमियल मतलब है दो ट्राइनोमियल मतलब है तीन राइट नोमियल उठाया पॉलिनोमियल से तो so, मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है मान लेते हैं ये ये दो टर्म नहीं है गाइज ये एक ही टर्म है टू एक्स इज कंप्लीट वन टर्म दिस इज अ मोनोमियल अब मान लेते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई अब ये मत कहना सर एक दो तीन चार पाँच छः टर्म है छः टर्म नहीं है दो टर्म है ये री आपकी फर्स्ट टर्म ये री आपकी सेकेंड टर्म दिस इज अ बाइनोमियल ये सब बातें गाइज एलिमेंट्री स्कूल में सिखाई जाती हैं अगर आपकी मिस हो गई हैं कोई बात नहीं भूल गए हो, कोई बात नहीं दैट इज वाई फाउंडेशन बैच इज हेयर ट्राइनोमियल गाइज तीन टर्म्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस थ्री एक्स ये रही आपकी फर्स्ट ये रही आपकी सेकेंड ये रही आपकी थर्ड ये हो गया आपके पास ट्राइनोमियल तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल क्या है राइट सिंपल सी टर्म्स हैं कुछ नहीं सोचना है ऐसे पोलिनोम जिनमें एक टर्म मोनोमियल दो टर्म बायनोमियल तीन टर्म ट्राइनोमियल नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइज फैक्ट्राइजेशन एंड फैक्टर्स तो गाइज फैक्ट्राइजेशन एंड फैक्टर्स इसकी बात करते हैं तो so फैक्ट्राइजेशन क्या है आप एक टर्म को आपके एक्सप्रेशन को कुछ टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में जब लिख देते हो तो वो होता है उसको फैक्ट्राइजेशन करना और वो जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो बन जाती हैं उसकी फैक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर से समझाता हूँ अगर आपके पास एक ट्वेल्व अगर आप ट्वेल्व को तोड़ो तो ट्वेल्व को आप लिख सकते हो ऐसे टू इंटू सिक्स फिर सिक्स को आप लिख सकते हो टू इंटू थ्री तो हमारे पास बन जाता है टू इंटू टू इंटू थ्री अब आपने ट्वेल्व को कुछ नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में लिख दिया है तो ये बन जाते हैं इसके फैक्टर्स और ये हो जाती है इसकी फैक्टराइजेशन तो ऐसा ही हमारे पास एल्जेब्रा में भी होता है कैसे होता है समझते हैं आपको पहले एक एक्सप्रेशन को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है जैसे कि इधर देखो ये ऑलरेडी एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है सेवन मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज है और इसके फैक्टर्स कितने हैं तीन कौन कौन से एक सेवन एक एक्स और एक वाई इसको सेवन डिवाइड कर सकता है एक्स डिवाइड कर सकता है और वाई डिवाइड कर सकता है तो जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो बन जाते हैं इसके फैक्टर्स तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए सेवन एक्स और वाई अब सेवन एक्स प्लस वाई ये भी ऑलरेडी फैक्ट्राइज है ऐसा मत कर देना सेवन एक्स प्लस सेवन वाई अब ये नहीं हो पाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं एडिशन में लिखा हुआ है दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन दिस इज सिंप्लीफिकेशन फर्दर आप खोल रहे हो इसको अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है सेवन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई तो इसके हैं दो फैक्टर्स एक सेवन और एक एक्स प्लस वाई और ये है इसकी फैक्टराइजेशन थर्ड देखते हैं सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर अब गाय इसको फैक्टराइज कैसे करें कॉमन लो क्या चीज़ें दोनों के पास है सर सेवन तो सेवन लिख दो और क्या चीज़ें दोनों के पास है सर एक्स सर इधर तो एक्स स्क्वायर है तो बेटा एक्सक्वायर का मतलब दो एक्स हैं एक तो है ना उसके पास इसके पास एक है तो एक एक्स एक ले लेते कॉमन अब इसके पास क्या बच जाएगा इसके पास तो कुछ नहीं बचा इसका सेवन भी चला गया एक्स भी चला गया इसके पास बचा वन इसका सेवन चला गया एक एक्स एक चला गया क्या बचा इसके पास इसके पास बच गया एक एक्स समझे एक्स स्क्वायर का एक एक्स लेकर भाग गए तो कितने एक्स बचे एक एक्स एक बचा उसके पास सिंपल तो सेवन भी दोनों में है एक्स दोनों में थे इसमें दो थे एक एक्स बाहर एक आ गया इसके बाद बचा एक एक्स एक। अब ये है सब प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आप इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ है सेवन मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स ये हो गई आपकी फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स क्या है सेवन एक्स और वन प्लस एक्स तीन फैक्टर्स अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या और फैक्टर्स का मतलब क्या है तो पॉज करो वीडियो को और दोनों क्वेश्चन ट्राई करो राइट तो गाइज मैं सीधा करने जा रहा हूँ ये रहा आपका पहला पार्ट अब इसमें गाइज सिंपली ऐसे मत बोल देना कि सर एक्स प्लस वाई फैक्टर है एक्स फैक्टर है ए फैक्टर है, नहीं पहले रिजॉल्व करो देखो क्या कोई टर्म दोनों के पास कॉमन है सर एक काम करते हैं पूरा मल्टीप्लाई करते हैं नहीं बेटा सोचो सोचो इसके पास भी एक्स प्लस वाई है इसके पास भी एक्स प्लस वाई है एक काम करते हैं एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं अगर एक्स प्लस वाई कॉमन लिया इसके पास क्या बचेगा एक्स तो इसका x प्लस वाई तो अंदर जा चुका है राइट ये तो गया अंदर क्या बचा x प्लस इसका भी x प्लस वाई तो बेटा कॉमन आके बाहर पड़ा हुआ ये क्या बचा आपके पास a तो ये हो गया प्रोडक्ट की फोन तो अपने पास क्या आ गए एक्स प्लस वाई इन एक्स प्लस ए कितने फैक्टर दो फैक्टर्स एक एक्स प्लस वाई और एक एक्स प्लस सिंपल आगे बढ़ते हैं इसकी बात करते हैं अब गए इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है देखो इसके पास एक एक्स है इसके पास एक्स है इसके पास एक्स है तो एक काम करते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं इसका एक एक्स चला गया ये तो गया बाहर क्या बचा इसके पास एक्स वाई इसका भी एक एक्स चला गया तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी क्या बचेगा एक एक्स वाई तो इसके पास बचा थ्री एक एक्स और एक वाई इसका भी एक्स चला गया अंदर तो इसके पास क्या बचा प्लस का टू तो इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में एक्स ले लिया कॉमन ठीक अब आगे क्या होगा ये दोनों थी क्या लाइक like टर्म्स इनको कर देते हैं एड थ्री एक्स वाई एक्स वाई कितना हो गया फोर एक्स वाई प्लस का हो गया टू राइट right? अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसमें एक फैक्टर हो गया हमारे पास एक्स और ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स वाई प्लस इसके आगे इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं नोटिस करो कि ऊपर इन दोनों के पास एक टू भी है इसके पास भी टू है फोर भी टू का फैक्टर है तो एक टू भी बाहर निकाल लेते हैं तो इसका टू चला गया तो ये बचेगा टू और एक्स वाई ऐसा कैसा और इसका टू चला गया तो ये क्या बनेगा वन अब हो गया प्रॉपर फैक्टराइज़ और इसके भी तीन फैक्टर्स एक एक्स एक टू और एक टू एक्स वाई प्लस वन फिर हो गया गाइस कैसे फैक्टर करना है कैसे फैक्टराइजेशन करना है तो इन वाली जो टर्म्स है उनको हमने मल्टीपल टर्म्स के प्रोडक्ट में रखना है प्लस माइनस अलाउड नहीं है पूरे टर्म्स आपके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में होने चाहिए इस वाले प्लस की बात मत करना मैं इस टर्म इस टर्म और इस टर्म की बात कर रहा हूँ आपके जो भी टर्म्स हैं बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा हुआ है ये पूरा एक फैक्टर है मैं टू तो एक्स वाई को एक अलग वा फैक्टर नहीं बोला रहा तो टू एक्स वाई प्लस वन वा ये है पूरा एक फैक्टर है सिमिलरली है एक्स अलग फैक्टर नहीं है एक्स प्लस वाई फैक्टर है क्योंकि इनके बीच में तो प्लस लगा है पर इनके बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स का मतलब क्या है एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल टर्म्स में लिखना है हर एक इंडिविजुअल टर्म बन जाएगी फैक्टर तो ये हो गया कैद आपका फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन अब हम सीखते हैं कि एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अब देखो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है ठीक और हमको बता दिया गया कि x इक्वल्स टू टू है x क्या है टू तो आपको x यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे देगा और आपसे कह देगा कि एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो हम बड़ी सिम्प्लीप्ली उसको निकाल लेंगे अब हमें क्या निकालना है एक्स प्लस फोर एक्स कितना है टू तो सिंपली एक्स की वैल्यू जो टू है वो यहाँ पर पुट कर दो ये क्या बन गया आपके पास टू प्लस फोर यानि कि सिक्स सिमिलरली यहाँ पे पुट करो फोर इंटू एक्स जगह टू माइनस थ्री तो कितना हो गया एट माइनस थ्री यानी कि फाइव तो इस तरीके से आप बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हो वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ तो कैसे इसको देखते हैं ये हो गया नाइनटीन माइनस फाइव इंटू एक्स यानी कि टू का स्क्वायर तो नाइनटीन माइनस फोर फाइव जा ट्वेंटी नाइन्टी माइनस ट्वेंटी हो गया माइनस वन जिसका आंसर आ गया वेरी गुड आप समझ चुके हो अगले कॉन्सेप्ट चलो मैं फटाफट सबके आंसर लिख देता हूँ और आप लोग आंसर मैच कर लेना तो हंड्रेड माइनस टेन इंटू एक्स क्यूब कितना हो गया टू का क्यूब यानी कि आपके पास आ गया हंड्रेड माइनस एट इंटू टेन एट्टी तो ये कितना हो गया ट्वेंटी राइट right? ये हो गया एक्स एक्स यानी कि टू माइनस टेन इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर टू माइनस ये हो गया फोर इंटू टेन फोर्टी यानी कि आपके पास आ गया माइनस थर्टी तो गैस समझ में आ गया वो कितना सिंपल है ये इतनी सी बात करनी है यहाँ तो बस जो वेरिएबल की वैल्यू दे रहा है उठा के इसे पटक दो और सॉल्व कर लो ध्यान रखना कि कोई भी सिली मिस्टेक आप लोग नहीं करो तो आपका जो आंसर है बड़ी आसानी से आ जाएगा राइट तो गाइज फिर आगे बढ़ते हैं एक दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और करते हैं और फिर चलते हैं हम लोग इक्वेशंस पे एक्सप्रेशन आप लोग अब समझ ही गए होंगे काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नॉमियल एंड दिस तो गाइज एक और क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे कर लेते हैं फर्क बस इतना है इसमें इस बार आपके पास दो वेरिएबल है ए की वैल्यू है टू और बी की वैल्यू वन पॉज करो खुद से ट्राई करो मैं करने जा रहा हूं सिंपल कुछ नहीं करना वापस से वैल्यू पुट करनी है ए कितना है टू माइनस बी कितना है वन तो टू माइनस वन कितना हो गया वन ए स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर बी का मतलब वन माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया फोर माइनस वन यानी कि थ्री पुट करते हैं गाइस क्या डायरेक्टली करना चाहते हो नहीं थोड़ा सा जो पीछे सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं शायद आसानी से हो जाए राइट तो देखो ए प्लस बी ए प्लस बी कॉमन आ रहा है तो लेते हैं कॉमन बाहर गया तो इसका क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ए बीच में आया प्लस ए प्लस जी भार गया तो इसका क्या बचा सिर्फ और सिर्फ बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया गाइज ए प्लस बी का होल स्क्स बी एक और ए प्लस बी दो ए प्लस भी हो गए जैसे कि आपका एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता वैसे ये हो गया अब वैल्यू डाल दो ए कितना हुआ टू बी कितना हुआ वन तो थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन राइट तो इससे थोड़ा सा क्विकली क्विकली होने लगेगा फ्यूचर के लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं पाइनियर में कैसे हम फास्ट फास्ट ये सब चीज़ें करेंगे उसके लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं ठीक है तो गाइस आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन करना चाहते हो फटाफट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं ए है, की वैल्यू कितनी है फाइव बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री तो सीधा पुट करना है कि क्या करना है आप खोल भी सकते हो सीधा पुट करना है सीधा भी कर सकते हो मैं एक बार अब सीधा पुट कर रहा हूँ और आगे बढ़ते टू इंटू ए का स्क्वायर का फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव आप प्रो बन चुके हो प्लस ए बी ए बी मतलब फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस का फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस ए बी ए बी कितना है ए फाइव बी माइनस थ्री माइनस का फिफ्टीन चेक गाइस ठीक है तो इतना फास्ट हमको करना होता है हल्के हल्के आप भी प्रो बन जाओगे अभी आराम से करो देखो इस स्टेप तक पहुँचे फाइव का स्क्वायर डाल दे ट्वेंटी फाइव ए बी यानी कि माइनस फिफ्टीन थ्री वैसा का वैसा ए बी यानी कि वापस माइनस फिफ्टीन ठीक मल्टीप्लाई करते हैं टू ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन हो गया अपने पास टेन प्लस थ्री माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस का फिफ्टीन ये हो गया ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन और थ्री हो गया एटीन आपके पास आंसर आ गया थर्टी एट सिंपल एज दैट ठीक है गाइज कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कुछ नहीं वैल्यूज डालनी है एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाती है इतनी कोई मेहनत का काम नहीं है ओके okay. तो गैज फिर चलते हैं अगले सवाल पे इंतज़ार किसका है देखते हैं क्या कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए ऑल राइट तो अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू फाइव वैन इक्वल्स टू जीरो ओके अब गैस ये थोड़ा सा कुछ अलग कह रहा है ये कह रहा है कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है और इस बार एक्सप्रेशन की वैल्यू इसने हमको ऑलरेडी दे दी कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू है ये है बराबर किसके इक्वल्स टू फाइव और बता रहा है कि एक्स जो आपने रखा था वो जीरो रखा था और निकालना भी है तो कोई बात नहीं एक्स से जब वापस जीरो डाल देते हैं और सॉल्व कर दें तो ये कितना हो गया टू इंटू एक्स कितना आपका जीरो ये हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए इक्व टू फाइव राइट ये तो जीरो हो गया सब ये भी जीरो है ये बन गया जीरो प्लस जीरो माइनस ए इक्वल टू फाइव तो आपके पास आ गया माइनस ए इक्वल्स टू फाइव अगर माइनस ऑफ ए पाँच के बराबर है तो ए क्या होगा गाइस ए होगा आपका सिंपली माइनस फाइव के बराबर दैट सेट इसमें क्या है राइट right? तो कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू दे दे किसी एक्स पे और कुछ आपसे ए वगैरह निकलवा ले बी निकाले तो डरना नहीं है कॉन्सेप्ट वही है ठीक है चलिए गाइस राइट right? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें क्या कह रहा है कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय दिस इन सबको देख के डरना नहीं है क्वेश्चन वही सिंपल होने वाला है गाइस तो कह रहा है कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच आर है रेडियस एच है हाइट सीधी सी बात हमको सरफेस एरिया यानी कि एस निकालना है और रेडियस दे दिया पाँच रेडियस कितना दे दिया आपको पाँच तो डाल दो फॉर्मूले में पाई फाइव का स्क्वायर हाइट भी दे रहा होगा हाइट कितनी दे रहा है दस तो ये हाइट के फॉर्मूले में डाल दो दस तो कितना हो गया गए फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव पाई और एक टेन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन कर दो कितना हो गया टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव राइट थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ये आपका आ गया आंसर सरफेस एरिया है तो आईडली सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं कोई बात नहीं ये सब देख लेंगे जोमेट्री में पर अभी कॉन्सेप्ट यह है कि वेरिएबल को कैसे आपने एक्सप्रेशन के अंदर डालना है अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और उस वेरिएबल को यूज करके कैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो गाइज़ मेरे ख्याल से अब आप लोग काफ़ी बात कर चुके हैं एक्सप्रेशन की लाइक like टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन वैल्यू निकालना यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस को करते हैं खत्म और चलते हैं इक्वेशंस पे समझते हैं कि इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करना है इक्वेशन सॉल्विंग हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे इक्वेशन फॉर्मिंग आज सीख लेते हैं और थोड़ा सा हेड स्टार्ट ले लेते हैं तो गाइस मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन और इससे हमको एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इक्वेशन बनाना है देखो कैसे कह क्या रहे हैं परमार्थ एज इस पी अब एक परमार्थ नाम का लड़का है परमार्थ नाम के लड़के की जो एज है वो कितनी है पी एंड अर्जुन से एज एजेस ए अर्जुन नाम का लड़का है उसकी एज है ए और परमार्थ जो है वो अर्जुन से टू ईयर्स बड़ा है राइट टू ईयर्स परमार्थ अर्जुन से बड़ा है हमको एक इक्वेशन बनानी है पी और ए में तो गैज़ दो तरीके से इक्वेशन बन सकती है मैं दोनों दिखाता हूँ दोनों से एक ही बात बनेगी ठीक है अब गैज देखो एक है परमार्थ और एक है अर्जुन परमार्थ अर्जुन से दो साल बड़ा है राइट तो अगर हम अर्जुन की रेट में टू ऐड कर देंगे तो क्या दोनों एज बराबर नहीं हो जाएगी सोचो वापस से अर्जुन जो है परमार से दो साल छोटा है तो अर्जुन को दो दे दो दोनों बराबर हो जाएंगे सोचो आप मेरे से दो साल कम हो मान लेते हैं आपकी एज है ट्वेंटी नाइन और मेरी है थर्टी वन अब मैं आपसे दो साल बढ़ाऊँ तो अगर मैं आपको दो दे दूँ तो क्या हम बराबर नहीं हो जाएंगे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है कि जो अर्जुन है राइट वो परमार से दो साल छोटा है तो हमने अर्जुन को दो दे दिया वो बराबर हो गए दूसरा कोई इसको इस तरीके से भी अप्रोच कर सकता है कि सर परमार्थ अर्जुन से दो बड़ा है तो p माइनस ए कितना हो जाएगा टू ऐसे तो की बात है तो इफ़ यू हैव फॉर्म दिस देन आल्सो यू आर करेक्ट एक और तरीके से कोई इसको सोच सकता है कैसे सोच सकता है वो कह सकता है कि सर परमार्थ अर्जुन से दो साल बड़ा है तो परमार्थ में से दो घटा दो तो भी किसके बराबर हो जाओगे आप अर्जुन के तो जो बड़ा है उसमें से दो घटा दो अर्जुन पर पहुँच जाओगे या जो छोटा है उसको दो दे दो फिर आप बड़े वाले के बराबर पहुंच जाओगे या आप सिंपल दोनों का डिफरेंस दो दिखा दो जो भी आपको अच्छी लग रही है तीनों ही सही है पर अभी हमारा फंडा है कि हम इक्वेशन को बनाते कैसे हैं वो सीख रहे हैं बच्चा आखिरी तक कंफ्यूज रहता है सर किस साइड प्लस करूं किस साइड माइनस करूं राइट तो जो बड़ा है उसमें से तो छोटे को निकाल दो क्या बचेगा दो तो मेरे हिसाब से ये वाली इक्वेशन बनाना सबसे आसान है इधर और लास्ट वाले में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं एक और इक्वेशन अब आप लोग पॉज करो और ख़ुद से फॉर्म करो ठीक है मैं करता हूँ इस बार आपका आंसर सही अच्छी है आराम से देखना आराम से फॉर्म करना आंसर आएगा ठीक है इसी से आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर चलने वाला है ठीक है तो जगदीश ब्रॉड टू थाउजेंड रुपीज फ्रॉम सैम तो एक सैम है सैम से जगदीश ने लिए है दो हज़ार रुपये राइट दिस इज अ गाय जगदीश ये पैसा ले रहा है दो हज़ार लिया इसने सैम से मोक से लिया इसने थर्टी फाइव हंड्रेड ठीक है और एक्स लिया इसने देव से देव से इसने लिया एक्स एंड नाउ ही बोरोड ऑल दिस सम जितना भी ये पैसा लेके आया ये जो है ये है बराबर इक्वल टू ए के तो जो टोटल पैसा इसने ले लिया वो हो गया ए के बराबर हमें एक इक्वेशन बनानी है तो गाइज डेटा एक्सट्रैक्शन एक आर्ट है आप देखो मैंने कैसे इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया जगदीश ने सैम से दो हज़ार लिए मोहक से पैंतीस सौ लिए यानी थर्टी फाइव हंड्रेड और देव से लिया एक्स और टोटल लिया ए

तो एक्सप्रेशन क्या है इक्वालिटी का साइन नहीं है इक्वेशन क्या है इक्वालिटी का साइन है एडिशन सब ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में होगा मल्टीप्लाई कैसे भी हो जाएगा डिवीजन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ सिंप्लीफिकेशन आपका इतने से हो जाएगा फैक्टर Factor, फैक्टराइजेशन में सब इंडिविजुअल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल टर्म को हम फैक्टर्स बोलेंगे वेरिएबल को यूज करके एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी आपने इसी वीडियो में सीखा साथ में आपने सीखा कि बेसिक इक्वेशन्स को कैसे फॉर्म करते हैं तो गाइज़ एक और जाते जाते इक्वेशन फॉर्म कर लो और क्लास को कर देते हैं यहाँ पे एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू थर्टी फोर दो कंजर्वेटिव इंटीजर्स को सम कर रहे हैं उसके स्क्वायर का तो हमारे पास क्या बन रहा है थर्टी फोर स्मॉलर नंबर है एन अगर स्मॉलर नंबर एन है और कंजर्वेटिव ऑर्ड इंटीजर की बात हो रही है तो इससे बड़ा वाला इंटीजर क्या होगा तो ये हो गया हमारे पास स्मॉलर तो लार्जर क्या होगा कॉन्जर्गेटिव मतलब गायज लगातार अब अगर आप लगातार ऑड इंटीजर्स को देखो जैसे कि वन थ्री फाइव सेवन तो क्या पैटर्न नजर आ रहा है कोई भी दो कॉन्जर्गेटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है टू का बस तो इतनी बात को पकड़ो अगर ये आपका स्मॉलर वाला एन है तो अगला वाला क्या हो जाएगा एन प्लस टू दैट इज इट गाइस अब इन दोनों जो कॉन्जेटिव ऑड इंटीजर्स आपके हो गए इनका जो स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो गया एन स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो गया एन प्लस टू स्क्वायर इनका जो स्क्वायर है उसका जो सम है यानी कि ये हो गया इनका सम ये किसके बराबर है ये बराबर है थर्टी फोर तो ये बन गई हमारी इक्वेशन राइट सिंपल एज दैट छोटे वाला का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर दोनों का सम इक्व टू थर्टी फोर इतना सा करना है स्टेप बाय स्टेप पढ़ो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एक बार में इक्वेशन बनेंगी इक्वेशन बनाना सीख गए आपका एलजेब्रा आधा तो वहीं खत्म हो गया में बच्चे को सबसे टफ लगता है इक्वेशन बनाना और जबकि कुछ बात ही है ही नहीं खास छोटी छोटी बात होगा ध्यान रखो स्लोली पढ़ो पूरा एक साथ मत पढ़ो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ऑलराइट गाइस दैट इज एट गाइस थैंक यू आपने अगर इस सेशन को एंजॉय किया तो बहुत बढ़िया पुराने पाप जो हमसे हो गए हैं जब पहले हमने ध्यान नहीं किया पढ़ाई में या जो टच हमसे छूट गए उसको रेक्टिफाई हम इस फाउंडेशन बैच में बिल्कुल कर देंगे Don't worry, let's make your ambitions into reality.